बच्चों हमने कल तक क्वेश्चन नंबर ए किया था, क्वेश्चन नंबर बी हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी अब हम भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर सी के आंसर्स हैं। तो इसमें क्या करना था अपन को, हमको इसमें स्टेटमेंट दिए हुए थे, स्टेटमेंट को हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना था, तो हमने वही किया। तो जैसे कि मान लीजिए कोई हमें आपका या मेरा नाम पूछता है, तो हमारा नाम क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अनुज यादव, जैसे मैं अनुज यादव हूँ, तो इसको हमें क्वेश्चन पूछना होगा, तो हर एक आंसर का कोई ना कोई क्वेश्चन होता है और हमें इसमें यही क्वेश्चन बताने हैं। सबसे पहले द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्वेश्चन आप बुक में देखना पेज नंबर 10 पे। तो ये क्वेश्चन दिया गया, आंसर दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट दी गई है, इसका जो आंसर है वो मैंने लिखा है कि सन सेट्स इन विच डायरेक्शन। सेकेंड वाला था मैंगोज आर स्वीट इन टेस्ट, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर स्वीट इन टेस्ट, सो स्वाद में मीठा क्या होता है। थर्ड द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, तो विच इज अ ह्यूज एनिमल, ह्यूज एनिमल कौन है, कौन सा है। आई स्टडी इन क्लास फिफ्थ, तो इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, इन विच क्लास डू यू स्टडी। माई फादर इज अ डॉक्टर, वॉट योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं। सिक्स वी हैव कम्प्लीटेड अवर वर्क, तो क्या आएगा, हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मिसेस अग्रवाल टीचेस अस इंग्लिश, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु टीचेस यू इंग्लिश। आई गो टू बेड एट 10 PM, तो इसका क्या होगा, वेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो, है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये मैं आपका पेज नंबर 10 में जो क्वेश्चन नंबर सी है उसके आंसर से, कल मैंने क्वेश्चन नंबर ए करवाया था, इसके आगे क्वेश्चन नंबर अपन डी करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं, चेंज दी सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव वंस, हमको क्या करना है, पेज नंबर 10 पे है क्वेश्चन नंबर डी, चेंज दी सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव वंस। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है हमको कि हमको क्या करना है, इसमें ये जो सेंटेंस दिए हैं इसको नेगेटिव बनाना, मतलब नॉट बनाना, मतलब जो किया है वो नहीं किया गया, उल्टा लिखना उसको। देखिए फर्स्ट वाले में लिखा मेक अ नॉइस, आवाज़ करो, उसका नेगेटिव क्या होगा, आवाज़ नहीं करो, तो डोंट मेक अ नॉइस, जैसे मैंने फर्स्ट वाला आपको लिख के बताया। सेकेंड वाला माय फादर इज ओल्ड, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माय फादर इज नॉट ओल्ड। थर्ड ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, नेगेटिव क्या होगा, ही डज नॉट स्पीक ट्रूथ, वो कभी भी सच नहीं बोलता है। आई डू माई वर्क केयरफुल, तो फोर्थ वाला क्या, आई डोंट डू माई वर्क, अपना काम नहीं करूँगा। फिफ्थ शी विल कम हियर सून, वो यहाँ पर जल्द ही आ जाएगी, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, शी विल नॉट कम हियर सून। सिक्स वाला क्या दिया गया, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, ही डिडंट वेंट टू आगरा यस्टरडे, डिड नॉट वेंट टू आगरा यस्टरडे। सेवन शी हैज सीन द ताज, क्या हो जाएगा, शी हैजंट सीन द ताज, मतलब उसने अभी ताज नहीं देखा है। एट आई डिडंट ईट टू बनानास, मैंने दो बनाना नहीं खाए, तो आई ईट टू बनानास, मतलब मैंने दो बनाना खाए हैं, दो के लिए खाए, ओके नेगेटिव हो जाएगा, मैंने दो के लिए नहीं खाए, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर डी हो गया, मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर सी और डी करवाया। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर ए करेंगे, व्हाट डस ईच सेंटेंस इम्प्लाई, तो हमको इसमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये फैक्ट है, एक्शन है, इवेंट है, क्योर है, विश, एडवाइस, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन, कमांड, क्वेश्चन, इन सब में से क्या हो सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है आर यू माई न्यू फ्रेंड, तो क्या है ये क्वेश्चन है। ओ इफ ओनली आई कुड डू दिस, ये क्या है, ये विश है। लीव द रूम, ये क्या है, कमांड है। टू err is human, to forgive is divine, ये क्या है, फैक्ट है। What a sturdy fort, और एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है। प्लीज कम विथ मी, ये रिक्वेस्ट है। ओ इज फ्लोट्स ओवर वाटर, ये फैक्ट है। यू शुड रिवाइज योर स्कूल वर्क डेली, ये क्या है, एडवाइस है। आई होप डेट यू विल गेट वेल सून, ये विश है। इसमें क्या लिखा है, यू शुड रिवाइज योर स्कूल वर्क डेली, तो ये एडवाइस है। आई होप डेट यू विल गेट वेल सून, ये विश है। मे यू ऑल्सो ड्वेल इन सोरो, मे यू ऑल्सो ड्वेल इन सोरो वॉज आई हैव, ये विश है।
डोंट यू थिंक यू शुड हैव कम्प्लीटेड योर वर्क, ये क्वेश्चन है. कैन यू टच द स्काई, ये भी क्वेश्चन है. द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, ये एक फैक्ट है कि अर्थ क्या है, ब्लू प्लैनेट है. डोंट गो आउट इन द रेन, ये क्या है, कमांड है, ये एक आदेश है कि बाहर बारिश में मत जाओ. रवि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, फैक्ट है. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर ए भी हो चुका है.